टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया गया। अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले धोनी से पहले सम्मान सिर्फ एक ही खिलाड़ी को मिला है, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दिग्गज सचिन तेंदुलकर है। मगर क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ियों को ये जर्सी नंबर मिलते कैसे हैं, इन्हें किस आधार पर रिटायर किया जाता है? ऐसा नहीं है कि जर्सी नंबर सिर्फ अलॉट और रिटायर ही होते हैं, एक खास नंबर की जर्सी पहनने में कई देश के क्रिकेटर परहेज भी करते रहे हैं। यहाँ तक कि एक देश ने तो इस जर्सी नंबर पर काफ़ी समय तक बैन लगा रखा था। शुरुआत उसी बैन जर्सी वाले किस्से से करेंगे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के वक्त 69 नंबर की जर्सी पहनना चाहते हैं, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। वजह 69 नंबर के नाम से एक सेक्स पोजीशन का होना। बात यह है कि लॉकी न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में ऑकलैंड की टीम से 69 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते रहते थे। यही नहीं, आईपीएल में वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी 69 नंबर की जर्सी पहनकर ही मैदान पर उतरे। हालांकि साल 2021 में उनके करिश्माई प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड ने भी उनका लकी नंबर उन्हें दे ही दिया। जर्सी नंबर रिटायर करने का सीधा मतलब यह है कि फिर उस टीम का कोई भी खिलाड़ी उस नंबर की जर्सी नहीं पहन सकता। एमएस धोनी भारतीय क्रिकेट में इकलौते उदाहरण नहीं है जिनकी जर्सी नंबर को रिटायर किया गया। सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी बीसीसीआई रिटायर कर चुका है। इसके अलावा आईपीएल में भी कई टीमों में खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की जर्सी को रिटायर किया था। डिविलियर्स 17 नंबर की जर्सी पहनते थे जबकि क्रिस गेल का नंबर तो सबसे यूनिक था 333। अब ये दोनों ही नंबर आरसीबी की ओर से नहीं दिखते। क्रिकेट में जर्सी नंबर चुनने और उनके अलॉटमेंट का भी एक फायदा है। जो जर्सी नंबर रिटायर नहीं होता या जिसे कोई दूसरा खिलाड़ी पहन नहीं रहा होता वही नए खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होता है। हाँ, उपलब्ध जर्सी नंबर में से खिलाड़ी को अपनी पसंद का नंबर चुनने का हक होता है। कौन सा खिलाड़ी क्या नंबर चुनता है इसके पीछे की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प है। मिसाल के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 45 नंबर की जर्सी न्यूमरोलॉजी की वजह से पहनते हैं। हिटमैन की जर्सी नंबर 45 का योग है 9, जो कि रोहित का लकी नंबर भी है। इसी तरह सौरव गांगुली ने अपने क्रिकेट करियर में 1, 24 और 99 अंक की जर्सियां पहनी और सबके कारण ज्योतिष से जुड़े थे। सचिन तेंदुलकर शुरुआत में 99 नंबर की जर्सी पहनते थे मगर ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने 10 नंबर की जर्सी का चयन किया। वीरेंद्र सहवाग 44 और 46 नंबर की जर्सी पहनते थे क्योंकि उनकी माँ और बीवी ऐसा चाहते थे। वैसे कुछ दिन तक उन्होंने बिना नंबर की भी जर्सी पहनी, जो ये बताने के लिए थी कि नंबर से उनकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ 19 नंबर की जर्सी इसलिए पहनते थे ताकि उन्हें पत्नी का जन्मदिन याद रहे। तो ये थे जर्सी से जुड़े कुछ किस्से, कहानियाँ और ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे डेस्क वाले साथी दिग्विजय जी ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी और भी खबरें और वीडियोस के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।